कैसे हैं आप लोग, मैं रेनू पांडे, वेलकम बैक टू कुकिंग विद मस्ती में वेयर कुकिंग इज फन। सो फ्रेंड, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और सभी के घर में बहुत सारे स्वीट्स बनते हैं और बहुत सारी क्लीनिंग होती है, जिसकी वजह से काम हमारा इतना बोलते ना प्रेशराइज वाला होता है। तो इसी के चलते ही हमारी जो रूटीन लाइफ है वो थोड़ी सी हैक्टिक हो जाती है, बट दिवाली में जब हम स्वीट और स्नैक्स खाते हैं तो उसका एक मजा ही अलग होता है। इसी स्वीट को एंजॉय करने के लिए मैंने आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी वे में मैंने बनाया है। अगर कोई बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो उसे वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, या कोई डाइट वगैरह पे है तो वो भी उसे इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी दिवाली की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डू चेक इट आउट। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू मैंने ऑलरेडी बनाया है, बट आज के बेसन के लड्डू में मैंने किया है एक छोटा सा ट्विस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप बेसन और इसे छन्नी से मैंने छान लिया हुआ है। अब इसे एक पैन में हम ट्रांसफर करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके कंटिन्यू 5 मिनट स्टेयर करेंगे। इसमें कुछ भी अभी डालना नहीं है, पहले हमें इसे कंटिन्यू 5 मिनट स्टेयर करना है कलर चेंज होने तक हल्का। ऐसा करने से हमारे हाथों में दर्द भी नहीं होता है और बर्फी या लड्डू आराम से बन जाता है, तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही साथ इसमें घी भी कम लगता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप गैस का फ्लेम जितना स्लो रख के लड्डू या बर्फी बनाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम 3 से 4 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही स्टेयर करते रहेंगे। अभी भी मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इन सबका कलर भी अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं पहले 1 चम्मच घी, सिर्फ 1 चम्मच घी अभी डाला है। अच्छे से इसे स्टेयर करेंगे, उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच घी और डाला। ये देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। अभी पर इसे 2 से 3 मिनट हमें और इसे इसी तरीके से पकाना है। अब 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें इलायची पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से। अब ये देखिए हमारी जो बर्फी का टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे, गुड़ को मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा था, गैस टर्न ऑफ करके हम इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी इतनी अच्छी खासी गर्म है कि गुड़ इसमें ईजिली मेल्ट हो जाएगा। अगर आप टर्न ऑन करके इसे गुड़ को मेल्ट करेंगे तो गुड़ हमारा जलने लगेगा। तो ध्यान रहे, गैस को बंद करके हमें गुड़ को डाल के इसे अच्छे से मेल्ट करना है इस तरीके से कंटिन्यू स्टेयर करते हुए। और इस तरीके से हमारे बेसन के लड्डू का मिक्सचर बनके तैयार है। इसे मैंने एक थाली में ट्रांसफ़र किया, थोड़े से मैंने डाल दिए बादाम, कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या तो प्लेन भी रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही सुपर टेस्टी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिए। इस दिवाली थोड़ा हेल्दी वे में अपने स्वीट क्रेविंग को स्टॉप कीजिए। हल्का सा मैंने इसमें घी ऊपर से डाला, एकदम हल्का सा नाम के लिए। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और जब ये हल्का गर्म रहे उसी टाइम पर इसे हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके से मिक्स कर दिया। अब बेसन के लड्डू मैंने ऑलरेडी उसकी रेसिपी शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, डू चेक इट आउट। अब इस तरीके से लेंगे और इसे गोल गोल लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने का मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बेसन का लड्डू बनाती है, पूरी दिवाली में उनका वेट करती हूँ उनके बेसन के लड्डू का। तो आप इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने स्वीट क्रेविंग को स्टॉप मत कीजिए, बट हेल्दी वे में एक हेल्दी सा लड्डू ट्राई कीजिए। तो बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये बेसन के लड्डू विद ट्विस्ट वाला रेसिपी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये वेट किस चीज का करिए, चलिए जल्दी से लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।